दीपोत्सव में आम जनता को नहीं मिलेगी अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में चौथे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आम जनता को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना की वजह से नहीं मिलेगी अनुमति। दीपोत्सव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी अनुज झा के मुताबिक कोरोना को देखते हुए केवल वॉलंटियर को पास निर्गत किए जाएंगे या फिर मेहमानों को आमंत्रण पत्र। इसके अलावा किसी को भी दीपोत्सव में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि कोरोना के सेकंड वेव को देखते हुए अभी खतरा टला नहीं है, जिसके कारण कम लोगों को ही दीपोत्सव में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अयोध्या में छोटी दिवाली के दिन 13 नवंबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। राम की पैड़ी पर इस बार भी अवध विश्वविद्यालय के 6,000 वॉलंटियर लगभग 6,00,000 दीप जलाएंगे। दीपोत्सव में अवध विश्वविद्यालय के 6,000 वॉलंटियर व अन्य कर्मचारियों के साथ जो मेहमान आमंत्रित किए जाएंगे वही दीपोत्सव में शामिल होंगे। अन्य किसी को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार फिर दीपोत्सव में दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, लेकिन ये रिकॉर्ड आम जनता केवल टीवी पर ही देख सकेगी। चौथा दीपोत्सव 11 नवंबर से शुरू होगा और 13 नवंबर छोटी दीपावली को समाप्त होगा। 11 नवंबर 12 नवंबर को अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा साकेत महाविद्यालय से भगवान राम से जुड़ी जीवन वृत्तियों पर झांकियां निकाली जाएंगी। हालांकि दीपोत्सव पर इस बार मुख्य अतिथि कौन होगा अभी इसका निर्णय नहीं लिया गया है। अनुज झा ने बताया कि जिस जिस जगह पर कार्यक्रम होना है उसका निरीक्षण कर लिया गया है। सबसे ज्यादा फोकस कोविड-19 प्रोटोकॉल पर होगा। अयोध्या से रॉबिन सागर की ये खास रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि जो भी फेस्टिविटीज अभी होनी है उसमें जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं SOPs है उसका पूरा पालन कराना अनिवार्य है। और क्योंकि उसमें काफ़ी संख्या में पहले ही वहाँ पे वॉलंटियर्स को जाना है दिए वगैरह जलाने के लिए, उसमें अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हम उसमें एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाएगा। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि वहाँ पे जिन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा गार्ड के माध्यम से या जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको पास के माध्यम से वहाँ पे एंट्री दी जाएगी ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो और सुरक्षित तरीके से पूरा कार्यक्रम कराया जा सके। क्या निर्देश जारी किया जिस तरह से समय भी कम रह गया है उसको देखते हुए क्या निर्देश जारी किया गया है? सारे जितने भी वेन्यूज जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है वो सबका निरीक्षण भी मैंने किया है और हर जगह हमारी तैयारी ठीक है और मैं समझता हूँ कि हम लोग समय से सब काम इसमें पूरा कर लेंगे। कोविड से सुरक्षा पर जरूर बहुत ज़्यादा इसमें फोकस रहेगा और उसके लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।